नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। हमने कल के लिए वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन हमने ट्यूजडे के दिन जो एनालिसिस किया था, जो प्रोबेबिलिटीज बनाई थी, उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया और लगभग बैंक निफ्टी ने 900 पॉइंट्स और निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का मूव हमें कल के दिन देखने के लिए मिला और वैसे ही आज का मूव हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिला। दोस्तों मैंने मेरे थंबनेल में ही डाला था कि बहुत 2-3 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहे हैं, बड़ा धमाका होने वाला है। जिस साइड मार्केट खोलेगा, अप साइड या डाउन साइड, उस साइड ही हमें बैठने का है। इसी हिसाब से हमने हमारा एनालिसिस किया था और आपके साथ शेयर किया था। हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों ट्यूजडे के दिन वो देख लेते हैं और फिर बाद में कल के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का देख लेते दोस्तों, पहले निफ्टी का देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने वीडियो देखा रहेगा तो जरूर आपने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा। हमने क्लियरली यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों, ये ऊपर से दो ट्रेंड लाइन बन रही है, ओके, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बन के आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस था, ओके। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन हो जाता है, ओके, और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को, निफ्टी का यहाँ पे अगर गैप ओपन हो जाता है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से 150 टू 200 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में, ओके। यहाँ पे निफ्टी में हमने ये एनालिसिस किया था, उसके बाद अगर ये जो मेजर सपोर्ट जोन है दोस्तों 19,700 अगर ब्रेक हो जाता है निफ्टी में तो हमें डेफिनेटली 19,560 से लेके 575 में प्रॉफिट बुक करना है। हमने क्लियरली यहाँ पे डिस्कस किया था, जाके वीडियो जरूर देखिए। मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, आपको वन डे बिफोर लाइव ट्रेड मिल रहा है, आपको सिर्फ वो लेवल्स और साइकोलॉजी के साथ बने रहना है मार्केट में। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों कहा था, यहाँ पे बहुत ही मेजर सपोर्ट था, वो सपोर्ट हमने कहाँ से निकाला था वो तो बाद में वो स्ट्रैटेजीज में जैसे टाइम मिलेगा आपके साथ शेयर करने ही वाला हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट निफ्टी ओपन ही हुआ 19,680 के बीच में, 19,680 को मार्केट ओपन हुआ विद गैप डाउन ऑफ 70 पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे हमने क्लियरली कहा था दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया था तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी 19,500 तक, 560 to 500 के बीच में। यहाँ पे अच्छा खासा 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट एंड में वही पे क्लोज हो गया, ओके। दोस्तों यहाँ पे आज क्या हुआ, वही लेवल पे ओपन हुआ यहाँ पे, हाँ वही रेजिस्टेंस जोन के वहां ओपन हुआ और नीचे मार्केट 19,300 तक गया, ओके। ये जो मैंने टारगेट बोला था दोस्तों, आप 5-6 दिन पहले का वीडियो जाके देखिए दोस्तों, 19,200 हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी और मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एक रूल है, वो वन वे कभी ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाता है थोड़ा करेक्शन होगा, ऊपर जाएगा थोड़ा करेक्शन होगा, ऐसा मार्केट गया आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ऑलमोस्ट 20 के तक पहुंच गया, ओके। हमारा जो एनालिसिस था, जो प्रोबेबिलिटीज था, उस हिसाब से हमने ये लेवल निकला था कि 19,250 से लेके 300 तक वापिस निफ्टी ने रिटेस्ट करना चाहिए, जो कि आज निफ्टी ने कर दिया 19,300। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या यहाँ से रिवर्सल होगा, उसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, हर एक चीज आपके साथ में डिटेल में शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे कल अगर निफ्टी यही पे ओपन होता है दोस्तों, ओके, फ्लैट ओपन होता है और धीरे 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 नीचे यही लेवल पे आता है 19,300। दोस्तों अभी यहाँ पे पुट में थोड़ा कॉशियस हो जाना है, पुट में अवॉइड ही करेंगे हम, पुट में बैठने के लिए अभी रेडी नहीं है। मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है डाउन साइड में, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है तो इमिडिएटली कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपना रिस्क रिवार्ड देखिए। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यही लेवल पे आता है 19,300 के पास, ओके, साइकोलॉजी मतलब आपको साइकोलॉजी के साथ कंट्रोल रखना है, इमिडिएटली पुट में एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है दोस्तों, 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल ए लेवल पे बन जाता है, ओके, ए लेवल पे, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कॉल में बैठना है दोस्तों, कॉल में
अब आप बोलेंगे सर मार्केट तो नीचे जा रहा है, हमें कॉल में बैठने के लिए बोल रहे। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी गिरावट, बहुत अच्छी मूवमेंट दे दिए 2 दिन। कल एक तो मार्केट साइडवेज रहेगा पूरा दिन, एक तो ये लेवल पे आने के बाद अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हमें यही कैंडल का एसएल लगाना है और हमारा टारगेट रहेगा 19,500 तक। दोस्तों मतलब यहां से 200 पॉइंट भी मिल सकता है। ओके, दो प्रोबेबिलिटीज है कल, एक तो साइडवेज एक तो अपसाइड। डाउन साइड कल के लिए देखना ही नहीं दोस्तों। हाँ हमारा एनालिसिस हमारा प्रोबेबिलिटी 100% नहीं, हम जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है उस हिसाब से हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं। यहाँ पे मुझे एक डब्लू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है कल के लिए। ओके, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो 15 मिनट का, ओके तो वही कैंडल का एसएल लगाना है। अगर सच में डब्लू पैटर्न बनेगा तो ये डेफिनेटली हमें 19,500 तक ले जाएगा। मतलब ये लेवल से लगभग 200 पॉइंट का कल हमें मूव मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आया कोई ग्रीन कैंडल बन गया 15 मिनट का, वही कैंडल का एसएल लगाना है और हमें रैली को राइड करना है 19,500 तक या 450 तक आप निफ्टी में खेल सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है दोस्तों, ओके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है उसके बाद ये लेवल तक आता है, जो लेवल है लेवल बताना चाहूंगा मैं 19,400, मतलब लगभग 100 पॉइंट यहाँ से आ जाता है निफ्टी और वापिस यहाँ से नीचे आता है। ओके, और नीचे आने के बाद वापिस ए लेवल पे आ जाता है। हमें हमारे साइकोलॉजी के साथ तो कंट्रोल रखना है दोस्तों, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है लाइव मार्केट में। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुन, अगर निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर जाता है, ये लेवल से वापस रिजेक्शन लेता है 400 से और ए लेवल को काट देता है, तो एक काम करना है आपको एसएल लेके बैठ जाना है सिस्टम क्लोज करके, क्योंकि यहाँ से ज्यादा टारगेट नहीं, यहाँ से 50 या 60 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिस्टम क्लोज कर देना है और वापिस नीचे से अगर मार्केट निफ्टी ये लेवल को काटता है नीचे से तो हमें वापिस कॉल में एंट्री लेनी है। अगर वापिस नीचे जाके 250 से लेके ऊपर आता है और 19,300 को काटता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है ग्रीन में, डेफिनेटली वापिस सी में एक बार हम ट्राई करेंगे, हमारे टारगेट्स वही रहेंगे 19,450 और 500 के बीच में कल के लिए, अगर इस हिसाब से मार्केट ने काम किया था। दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ही लेवल के पास ओपन हुआ 19,500 के पास, अगर निफ्टी 19,500 के पास ओपन हुआ और यहां से हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिला, उसका कंफर्मेशन भी मिल गया, तो वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट और डेफिनेटली हमारे पुट में वही टारगेट रहेंगे 19,300 तक। पुट में हमें सिर्फ ए लेवल के पास बैठना है 19,500 के पास आने के बाद, गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट 19,300 गैप अप के केस में बोल दिया दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, कॉल में पोजिशन अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वापिस वही टारगेट रहेंगे। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता है, ओके ये लेवल पे आता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ए लेवल का आज का जो एक क्लोजिंग का हाई काट देता है, ओके यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली 19,500 तक आपको निफ्टी में टारगेट के लिए बने रहना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे अगर आपको बड़ा रिजेक्शन दिखता है 15 मिनट कैंडल का या 5 मिनट का कैंडल का और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे, हमारे टारगेट्स वही रहेंगे दोस्तों 19,300 तक, 300 to 350 तक हमारा टारगेट रहेगा, लगभग 150 पॉइंट का हमें टारगेट रहेगा। दोस्तों अगर गैप डाउन ही होता है, ओके निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है, लेवल को काट देता है, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो कुछ भी करने का नहीं, 19,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये लेवल 250 to 200 के बीच में निफ्टी एक तो साइडवेज में रहेगा, नहीं तो पूरा दिन ये लेवल के बीच में ही 100 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी कल काम करेगा। अगर हमारे पहले दो एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी ने काम किया तो उसी हिसाब से पहला एनालिसिस हमने बोला यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, एंट्री ले लो, टारगेट हमारा वही रहेगा 19,500। अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है
और ये लेवल को काट देता है तो एसएल लेके चुपचाप बैठ जाना है सिस्टम क्लोज करके। ओके, अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनने का ऊपर जाता है तो 500 तक टारगेट रहेगा। गैप डाउन के केस में कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। फ्लैट के सिनारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको 500 तक खेलना है। दूसरे फ्लैट के सिनारे में मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न का बता दिया। तो निफ्टी के आपको जो लेवल्स मैंने अभी बताया उस हिसाब से काम करो दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, बैंक निफ्टी का भी हमने एनालिसिस किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन और ये इंटरसेक्शन को काट देता है तो हमें बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लगभग 500 पॉइंट्स का अपसाइड में। लेकिन अगर ये सपोर्ट को काट देता है बैंक निफ्टी तो हमारे टारगेट्स 45,100 तक हमने बोले थे, जाके वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा एनालिसिस वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे निफ्टी ने 45,100 तक हमें टारगेट दिए कल के दिन, वो तो दिए, उसके बाद वापिस नीचे निफ्टी ने 45,700 तक वहां पे रिवर्सल दिखाया, लगभग 900 पॉइंट्स का हमें कल बैंक निफ्टी में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। वहां से रिवर्सल हुआ, वही 45,100 के आसपास आके क्लोज हुआ, आज वापस वही लेवल पे आया, वहां से रिजेक्शन मिला, 700 पॉइंट्स का हमें आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों बहुत ही मजा आया, दो दिन बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला, उस हिसाब से हमने काम किया। अभी कल के लिए देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। यहाँ पे वापस मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, यही लेवल पे ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे जाता है, यहाँ पे आपको वही देखना है जो निफ्टी में मैंने बताया था। यहाँ पे 15 मिनट कैंडल ग्रीन बनता है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपके टारगेट्स वापिस 44,900 तक रहेंगे, मतलब ये जो लेवल है, लेवल में बताना चाहूंगा 44,300-350 के बीच में, 45,350 के बीच में आपको यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट की तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। दोस्तों मैंने डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रेटजी भी शेयर किया है, जाके जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली हमें 44,800 तक बने रहना है बैंक निफ्टी में। ओके, मतलब लगभग यहाँ से देखोगे तो 500 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है अगर इस हिसाब से काम किया तो। अगर दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, 44,600 को काट देता है, ओके, तो यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट बन रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना नहीं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक सेलर जोन है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलर जोन है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो रिवर्सल के भी सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है उसका कंफर्मेशन भी मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा प्लस 44,500 हमारा टारगेट रहेगा, लगभग 300 पॉइंट का हमें यहाँ से डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर गैप अप ही ओपन होता है ये लेवल के पास और यहाँ से इमिडिएटली हमें पहले 5 मिनट का कैंडल ही रिजेक्शन मिल जाता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल का एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको एसएल लगाना है और टारगेट वही हमारे रहेंगे 44,500 तक फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 44,300 तक। मतलब फर्स्ट टारगेट में हमें 300 पॉइंट, सेकंड में 200, लगभग 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है और यही लेवल के पास ओपन होता है तो आपको पुट में बैठने का ही नहीं है, आपको कॉल में ही बैठना है। यहाँ से आपको 44,300 से ये जो लेवल है, लेवल में बताना चाहूंगा, ये लेवल 44,300 से आपको 600 तक, मतलब 300 पॉइंट्स इमीडिएटली मिल जाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे गैप डाउन के सिनारे में पुट में बैठना है, कॉल का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट 800 तक रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों ही हमने एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करके रखे, आपको जरूर आपको लाइव मार्केट में काम आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।